जो तू नहीं। गुजरात के मोरबी शहर में केवल पुल गिरने से 134 लोगों की मौत हो गई। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राजकोट आईजी रेंज अशोक यादव पूरे इलाके में छानबीन कर रहे हैं। सोमवार को आईजी रेंज ने कहा कि मोरबी की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम संवेदना व्यक्त करते हैं। हमने सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया है। अब तक हमने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने ये भी बताया कि गिरफ्तार लोगों में ओरेवो कंपनी के मैनेजर और टिकट क्लर्क शामिल हैं। गिरफ्तार 9 लोगों में ओरेवो कंपनी के 2 मैनेजर, 2 टिकट क्लर्क के साथ 2 ठेकेदार और 3 सुरक्षा गार्ड लापरवाही के आरोप में शामिल हैं। आईजी के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी रहेगा। हम पूरा इलाका छानेंगे। पुलिस और स्थानीय लोग भी काफी मदद कर रहे हैं। उधर स्थानीय लोगों ने मोरवो में आज दुकानें बंद रखी क्योंकि शहर में छठ पूजा के दिन पुल गिरने से 134 लोगों की मौत हो गई है, उसका शोक मना रहे हैं। एक स्थानीय ने बताया कि मोरवो में आज लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए कई प्रतिष्ठान बंद रहे। राजकोट आईजी रेंज ने यह भी बताया कि हादसे में 134 लोगों की शव बरामद हुई है। पुलिस प्रशासन की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर कल जारी किए गए थे। साथ ही ये कहा गया था कि जिसका भी रिश्तेदार या परिवार का कोई सदस्य गायब हो तो तत्काल इस नंबर पर डिटेल भेजें। इस दौरान 14 लोगों के लापता होने की जानकारी मिली थी, जिसकी मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी मदद मिली है। ऑपरेशन अभी भी जारी रहेगा। हम पूरे इलाके को छानेंगे। हादसे में गुजरात के राजकोट से लोकसभा सदस्य मोहन कुंदरिया ने सोमवार को बताया कि मोरबो कस्बे में पुल गिरने से उनके 12 रिश्तेदार की मौत हो गई है। बीजेपी के सांसद ने कुंदरिया ने को बताया है कि रविवार को जब यह हादसा हुआ तब वे पिकनिक मनाने गए थे। कुंदरिया ने कहा कि जान गंवाने वाले उनके रिश्तेदारों में से 5 बच्चे, 4 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। सभी उनके बड़े भाई के करीबी रिश्तेदार थे। उन्होंने कहा है कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर से रिलेटेड और भी कोई जानकारी मिलेगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।